आएगा ले बड़ा बट आई एम नॉट फ्रॉम केनिया यार गाइस आई रिसेंटली गॉट डंप ऑन फेसबुक फेसबुक पे भी कोई डंप होता है बट स्टिल माय गर्लफ्रेंड पोस्टेड ऑन माय फोन एंड थ्री मैजिकल वर्ड्स इट्स ओवर आई एम सोन एंड द मोस्ट हर्टिंग थिंग वाज दैट द पोस्ट गेट 752 लाइक्स इससे भी ज्यादा दिक्कत वाली बात हुई थी 200 लोग तो मेरे से थे एंड एक और बात My father has a little bit comment on it. Hello, man. अब अक्सर डैड से मुझे आ रहा है जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं आपके हम सबके स्पेशली वो उनका डांटने का जो अंदाज होता है बड़ा ही निराला होता है किस तरह से डांटते हैं वो मैं बताता हूँ पापा एक है डांट रहे हैं अपने बच्चे को बताते हैं क्या जरूरत है प्रिंसिपल की डॉक्टर को छेड़ने की अपने मोहल्ले में लड़कियां मर रही है क्या पापा अपने अपने मोहल्ले में शट अप अब ये नहीं समझ आता है कि वेदर टू शट अप और वेदर टू स्पीक अप जैसे हम सोच रहे होते हैं नेक्स्ट स्टेप बना रहे होते हैं इतनी में मम्मी जो होती है उंगली कर देती है पापा कुछ पूछ रहे हैं आंसर करो पापा कुछ पूछ रहे हैं आंसर करो बस काम होता है उनका इसके अलावा भी एक चीज होती है कैरेक्टर्स के नाम बहुत स्किप कर जाते हैं जो हमारे पापा होते हैं स्पेशली वो क्या करते हैं जैसे कि पढ़ना लिखना तो है नहीं घूमता रहता है शर्मा जी के लड़के के साथ क्या नाम है उसका क्या नाम है उसका अब वो पापा लोग शट अप इस तरह से होता है उसके बाद क्या होता है अक्सर पापा क्या बताते हैं बच्चे का रिजल्ट आ चुका फेल वेल हो गया जो भी वो तो अक्सर सबका ही होता रहता है क्या वो तो कोई बात नहीं मोहिनी तुमने देखा डिक्टेशन में भी इनके माइनस वन नंबर आया क्योंकि डिक्टेशन की भी स्पेलिंग गलत लिखती है सर्टिफिकेट के नाम में मात्र एक बर्थ सर्टिफिकेट है उसके पास एंड दैट टू नॉट बिकॉज ही इज गुड एट इट इंग्लिश बोलने नहीं आती थी लेकिन आज देखो सिक्को सलाने के पहले ही आता सीधा के डब्ल्यू और इसके बाद सुनो एक बार तो टालू की बोतल के लिए दो बोतल खून बेचना पड़ा था आपका वैसे ही थोड़े बचपन में कमजोर रहा करते थे आपके बच्चे तुमसे से इसके बावजूद कभी पापा ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया डायरेक्ट पाँव में गिर जाया करते थे ये सब तो कुछ भी नहीं है पापा का एकदम पापा हमेशा लाइफ में इंग्लिश में बोलते हैं लड़की को चेक और हिंदी में बोलते हैं राप चेक एक लास्ट चीज है ज्यादा पकाऊंगा नहीं बट स्टिल एक चीज बताना चाहता हूँ सबके पेरेंट्स जो होते हैं एजुकेशन एजुकेशन पे बहुत स्ट्रेस डालते हैं जब बात आती है सेक्स एजुकेशन की तो ऐसे बीट करते हैं कुछ पता ही नहीं सब हनुमान जी के भरोसे और एक और उसके बाद एक मेरा दोस्त था आकाश मिश्रा अरे उसको तो एक साल तक ये लगता था कि उसके पापा इंडियन है एक झूठा बात था जब मैंने उसको बताया उसके पापा की असलियत तब उसे समझ में आया और वो तो साइड में चला गया आसपास किसी दोस्त के घर में कमरा पर पर्दे में डाल के देखी करते हैं